आगे बढ़ते हैं, आपने किस चीज के लिए अप्लाई करने। देखो अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप जैसे ही यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे, अप्लाई फॉर पर क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। आइए इस चीज को हम यहां पर बारीकी से समझ लेते हैं। जो लोग ओनली नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो लोग जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर जेआरएफ हो गया तो जेआरएफ, नहीं तो नेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई करना। देखो आप लोगों को दोनों के लिए ही अप्लाई करना है यहां पर, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुछ एज क्राइटेरिया होता है, जैसे एसटी एससी ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और सभी वर्ग की महिला, इन सब की उम्र कितनी होती है, 35 साल तक वो जेआरएफ कर सकते हैं, और सामान्य वर्ग का पुरुष 30 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं वो 35 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ पर क्लिक कर देना है। अब आप किस सब्जेक्ट की नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर से आपको यहां पर देखना है